हेलो गाइस। तो गाइस आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आप फेसबुक अकाउंट को कैसे अनलॉक कर पाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब स्क्रीन में देख भी सकते होंगे, क्या फेसबुक ने आपका भी अकाउंट को डिसएग्री विथ द डिसीजन में आपको फंसा दिया है गाइस, और कुछ अदर ऑप्शन नहीं आ रहा है जिससे आप अपना अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइस आज मैं बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ गाइस। तो गाइस आपको सबसे पहले तो आपको एक ब्राउज़र में अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेना है कि जो कि मतलब डिसएग्री विथ द डिसीजन में फंस गया है गाइस। सही है गाइस, तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप सब देख भी सकते होंगे, इसका मैं डिसएग्री विथ द डिसीजन वाला प्रॉब्लम आ रहा है गाइस, और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कितना मतलब कितना डे बचा है गाइस इसका अकाउंट को डिसेबल होने में। सही है गाइस, और जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा गाइस, जो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज 10 डेज में बचा है गाइज, अगर 10 दिन में हम लोग इसको अकाउंट को अनलॉक नहीं करते हैं तो ये परमानेंट डिसेबल हो जाएगा। सही है गाइज, तो मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ गाइज। आपको सबसे पहले एक न्यू टैब ओपन कर लेना है गाइज। सॉरी गाइज, आपको सबसे पहले तो ये सारा टेक्स्ट जो दिख रहा है गाइज उसको आपको कॉपी कर लेना है। ये एकदम वर्किंग ट्रिक है गाइज, आपके लॉक्ड अकाउंट में वर्क भी करेगा। तो गाइज़ आपको सबसे पहले तो आपको ये सारे टेक्स्ट जो दिख रहा है गाइज़ उसको आपको कॉपी कर लेना है अपने नाम से लेकर पूरा नीचे तक। सही है गाइज, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी सेम टू सेम वैसा ही करना है। और आप लोग बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा है गाइज, तो आप देख देख के भी अपने अकाउंट को अनलॉक नहीं कर पाओगे, तो इसमें तो मेरी गलती तो नहीं है गाइज, इसमें समझना क्या है गाइज। तो कॉपी करने के बाद गाइज इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। लेने के बाद गाइज आपको एक न्यू टैब ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू फेसबुक। सही है गाइज, इतना आपको सर्च बार में आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद गाइज आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ भी नहीं देखना है, फर्स्ट लिंक पर ही आपको क्लिक करना है, जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख भी सकते होंगे। तो गाइज जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अगर आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होके नहीं आता है तो आपका गलत लिंक मतलब ओपन हो गया है। सही है गाइज, तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। फिर आपको सब्जेक्ट देगा गाइज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू देगा, और स्क्रीन शॉट देगा गाइज। सही है गाइज, तो सब्जेक्ट में आपको टाइप करना है माई फेसबुक अकाउंट वॉज डिसेबल्ड। सही है गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी सकते होंगे, माई फेसबुक अकाउंट वॉज डिसेबल्ड। सही है गाइज, इतना आपको सर्च कर देना है मतलब टाइप कर देना है माई फेसबुक अकाउंट वॉज डिसेबल्ड। सही है गाइज, इतना करने के बाद गाइज आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू में आ जाना है, और यहाँ पर जो कि हमने कॉपी किया था वो सभी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गाइज आपको एक अपना ईमेल एड्रेस मतलब ऐड कर देना है। सही है गाइज, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो मोबाइल नंबर तो ज़रूर होगा गाइज, उसको मतलब दे देना है। सही है गाइज, तो जैसे कि मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस मतलब दे देता हूँ जो कि सब्सक्राइबर भाई का है। इतना करने के बाद गाइज एक बार मतलब चेक कर लेना है कि मतलब कुछ गलत तो मतलब नहीं टाइप कर दिया, मतलब फ़ोन नंबर हो या फिर ईमेल एड्रेस हो। सही है गाइज, बस ईमेल एड्रेस ही देना है, मतलब ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से एक तो देना है, और कुछ भी नहीं देना है। और स्क्रीनशॉट में जो कि हमने स्क्रीनशॉट लिया था गाइज प्रॉब्लम का, उसको यहाँ पर दे देना है गाइज, जैसे कि मैंने दे दिया है। देने के बाद गाइज आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करोगे फिर ये तो सबमिट हो जाएगा गाइज, जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख भी सकते होंगे। अब हमको वेट करना है गाइज, अब हमको 7 डे तक वेट करना है, तब जाके हमारा फेसबुक अकाउंट अनलॉक होगा, वरना नहीं होगा। उससे पहले आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हो गाइज तो आपका फेसबुक मतलब जो कि हमने सबमिट किया था वो रिजेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपका मतलब जो लॉगिन है गाइज इस ब्राउज़र में, वहाँ से आपको अपना अकाउंट को लॉग आउट कर देना है। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही गाइज, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो गाइस, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
जय हिंद गाइस।